नमस्कार आशा डॉट कॉम, आप सभी का स्वागत है साक्षात्कार संख्या 507। आज हमारे साथ हैं श्री रामेश्वर लाल जी पूनिया और संगा धर्मपत्नी गोगी देवी जी पूनिया। गांव है पूनिया की डाणी, जो कि सीकर जिले का अंतिम गांव है चूरू की तरफ। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। हाँ जी, माता पिता का नाम श्री मघराम जी, पिताजी का नाम, माता जी का नाम श्रीमती दाखी देवी। दाखी देवी, दादा दादी जी का याद है दादाजी भीमाराम जी, पूनिया। हाँ, ठीक, ननिहाल कौन सी जगह है? माझीपुरा, माझीपुरा सीकर जिले के, माझीपुरा। हाँ, परसा मेरे पास। नाना जी का नाम याद है? नाना नानी का? नाना जी का नाम याद, देखा ही नहीं तो कभी। चलो कोई हाँ बात नहीं। हाँ अच्छा, आप हाँ पियर कौन रतनसरा, से गांव है? रतनसरा। हाँ, हाँ, कहाँ पड़ता है? चूरू जिले, चूरू जिले में। चूरू रतनगढ़, जिले में शेरा का सारा है। अच्छा, शेरा रतनगढ़ सारा पड़ा है। रतनगढ़ हाँ, क्या तहसील। बहन भाई होते हैं? एक ही हूँ मैं तो। एक ही हो गए। हाँ, एक ही। माता पिता को नाम माता को, पिता को नाम क्यों बाकर? और माता जी को धन्नी देवी। धन्नी देवी। ठीक, दादा हाँ दादी याद है क्या? हाँ बताओ। दादा को खेता राम, दादी जी को दादी को बुरी राम। बुरी राम। हाँ, तो सासू कसी मिली ना, सासु जो की मिली। चौकी मिली ना। हाँ, आप बहन भाई कितने हैं? हम 6 बहन भाई थे। सिस्टर हमारी सबसे छोटी थी, सिस्टर अफसायर होगी। भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे से 4 बड़े भाई थे मेरे से। नाम बताएंगे बिल्कुल छह का? साहब, बताए। बड़े बड़े श्री चुन्ना राम जी, 2 नंबर श्री भेबा राम जी, जी। 3 नंबर श्री देबू राम जी, 4 नंबर श्री राम कुमार, 5 नंबर माई सेल्फ, मैं खुद, और मेरे छोटी सिस्टर मोहनी मोहनी देवी। टाबर कितना है आपने? टाबर 3 बेटा 2 बेटी। 3 बेटा 2 बेटे, नाम बताओ सबका। एक को सतीश, बड़े हाँ। बड़े को, बड़ी बेटी को सुनीता नाम, और छोटे को राकेश, राकेश, एक को छोटे छोटे को मुकेश, मुकेश, एक भाई को गायत्री। गायत्री देवी। और नाम बता दिया। पढ़ेड़ा हो गया थोड़ा ना आपकी पढ़ाई? और सेकेंडरी से मुझे पीयूसी किया हुआ, प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे ना पहले। हाँ, अच्छा, तो कौन से सन में समाप्त की? 71 सनिकेतन में। में ने? ठीक है। खेती है अपनी, कृषि हाँ बिल्कुल है जी, कितनी बीघा है? 37 बीघा मेरे हिस्से में, भाई बंटवारे में। तो पढ़ते समय आपके प्रिय गुरुजी, अब गुरु जी के नाम भूल गया, नाम जितने भूल गया, याद प्रिय मित्र, प्रिय मेरे मित्र। मित्र तो जगह जगह सारे, अब साथ में नौकरी करें, उनके भी नाम भूल गया। आज 8 साल हो गया, तो आजकल मेमोरी कुछ कमजोर हो गई। तो आजीविका की शुरुआत? आजीविका की शुरुआत तो अब पढ़ते पढ़ते कर दी थी। पहले फौज में रहा था 5-6 साल, तो सिग्नल कोर में। अच्छा, उसके बाद में अब मेडिकल डिस्चार्ज आ गया, उसके बाद मेरे कुछ मिलता नहीं है, मतलब उधर डिफेंस साइड से। तो उसके बाद में 1 साल मैं घर पे रहा, ये अपनी खेती बाड़ी का काम किया। और उसके बाद अब इस टेलीफोन विभाग में अपने बाबू के दीपक के पद पद पर। पे, लिपिक के पद पर तो मैं मिला सेवानिवृत्त कब हुए? सर सन 2012 में। 2012 में। हाँ थोड़ी बातें आपके गांव के बारे में पूछ ली हाँ जाए। बिल्कुल। तो आप पूर्णिया की ढाणी जो है वो कितना बड़ा गांव है? ये 60-70 घर होगा साठ लगभग। सत्तर हाँ और ये कब बसा था? ये सन 1943-44 में, तैयारी मतलब। सोमालिस में है। हाँ अच्छा, एक चीज़ है कि हाँ आपके गांव में कोई समस्या है, कोई लगता है आपको? आप ये समस्या थोड़ी महसूस कर रहे हैं, जैसे रजवाड़ा का टाइम महसूस करता हूँ, जो जैसे मतलब ये हमारा गांव है ना, ये आबादी में नहीं है, अच्छा। तो इसी मतलब ये क्या बोलते हैं, राजस्व है, हाँ 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 कृषि कृषि भूमि में कृषि बसा, भूमि है। कृषि भूमि में बसा हुआ है। तो जिसके बाप दादा के नाम से जमीन थी ना, वो ऐसे मतलब दबा के रखना चाहता है कि हमारे को भाई, जैसे ठाकरों का हुक्म चलते हैं वैसे अपना अच्छा। हुक्म चलाना चाहता है। तो आज के टाइम में नहीं, चलने वाली बात ये नहीं। चलने वाली बात नहीं है। इसके बारे में लिखा पढ़ी भी किया पंचायत तो कई तो में, छोटे छोटे जो ढाणियां, उनको गांव का दर्जा मिल चुका है, लेकिन गांव, हालांकि ये राजस्व गांव घोषित है सन हाँ 1984 से, अच्छा। 1984 से राजस्व गांव घोषित है। उसके बावजूद मतलब ये लिखा पढ़ी के मतलब जिला स्तर पर भी हो गई, राज्य स्तर पर भी, मतलब मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, मेरे पास में है। जी। RTI में मैंने सूचना मांगी थी, वो सूचना आधी अधूरी मेरे पास में भेजी है, लेकिन कलेक्टर का ऑफिस का भी आया लेटर है, पंचायत का भी लेटर है, जी। लेकिन कार्रवाई वैसे मतलब जो होनी चाहिए राज्य की तरफ से वो नहीं हुई। वो नहीं हो पाई ना। हाँ गांव में जो क्या है कि अकेला आदमी तो फिर भी अकेला होता है ना, हाँ
और लोगों का सहयोग है आपको, बिल्कुल सहयोग, ये सारे भाई तो हैं, सारे साथी हैं मेरे के, हाँ सारे सारा गांव एक जगह ही, तो कोई आश्वासन मतलब मिला कि भाई हाँ हो जाएगा? नहीं, ऐसा आश्वासन मतलब ये होनी नहीं देता, जानबूझ के नहीं होने, जिसके नाम से है ना वो होनी नहीं देता उसको, वो कहने का मतलब टांग अड़ाता है। टांग हाँ अड़ाते मांग तो है सभी की हैं। हाँ भाई, ये भाई लोग इसलिए नहीं बोलते, काम तो ये होने नहीं देगा अब तो अब ये, काम होने से कई तरह हाँ सुविधाएं मिलती हैं, है ना, स्तर होता है लाभ। और सारी सुविधाएं हमारे घर, हाँ हाँ बस ये थोड़ी सी है, ये पट्टा मिल जाए तो स्कूल है अपने तो यहाँ, मैं स्कूल 5वीं तक, पांच तक कोई स्कूल फायदा है, नहीं उसे, पांच तक स्कूल है ना। हाँ 5वीं तक मतलब कोई योजना का इधर वो नहीं होता कि है, खेत में, है ना। हाँ हाँ स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, अच्छा। सड़क है, बिजली है, पानी है, सब है। इसमें गवर्नमेंट के कम से कम करोड़ों रुपये खर्चा हो गए, लाखों में नहीं, हाँ हाँ करोड़ों में हाँ खर्चा हो गया सड़क पर, बिजली पर करके। ग्राहकी के चले, अगर है तार दुनिया में घर ग्राहकी के चले, आँख ही चल ग्राहकी चले थाने रहा घुमाता, घड़े घड़े ले गए है, घुमाता दो जगह घुमार ले आई, खिंचा खिंचा बम्बई ले गया, और बोलो कौन सा देश अभी घुनाव को नहीं आओ ने। अच्छा, हाँ आपका बड़ा बेटा क्या काम करता है? बड़ा बेटा एयरफोर्स में रहता है। एयरफोर्स में रहता है ना, हाँ एयरफोर्स में वायुसेना है। हाँ अच्छा, उनकी तरफ से ले गए ना। उनकी तरफ से तो वो खर्चा वो तो बैठे रहता रहे तो बम्बई, अच्छा उन्दर रह लागे ज्यादा। गुवाहाटी उधर। और नाली वगैरह कोई, नाली वगैरह की कोई समस्या है? नाड़ी कौन सी बोलते, नालियां जो पानी की निकासी नाड़ी से समझ में, नाड़ी हमारी यहाँ समझ आती है, खुराई को नहीं मारे नाली को, क्या की समस्या, समझ आई हमारी, मतलब कोई भी स्कीम लागू नहीं हमारे समझे, ये हमारे गेट के बाहर ने छाड़ों को नहीं उठा दी। अच्छा, गोबरी नहीं उठा उठता है हमारे गेट के बाहर तो। तो मतलब ठुकराई लगा वजह हाँ 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 और कोई समस्या बने। और हमारे दादा बादा आने जगह वो नेठो गांव है ने इम बछेड़ा, अच्छा, बैठा की खेत में बैठा जमीन ही नहीं, मैं दादा बा जमीन तो बैठा आन दे दी, आन कागदाम लिखा पड़ी, लिखा पड़ी आंके खेत, आंको खेत हो उठे की हम आके है बस गया का प्रेम बाव बोला। हाँ हाँ बोला लिखावट कराई को भाई, में आंकी भाई में तो है मारी में कोनी, फिल्म कोनी। हाँ आ बात होगी जना बा दबरी है बा भाई, अब काटे कोनी बा बड़ी जगह यहां होती का, मतलब पहले प्रेम बा में कतने पड़ी है के बात। हाँ भाई आई लिखा पड़ी कोनी, लिखा पड़ी न कहे हाँ भाई तो ना, यही तो इसीलिए हम आगे भविष्य के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। राजनीति में रुचि है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत ऐसे है, बाकी आप देश की राजनीति, देश का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? देश का स्वास्थ्य तो आज लगता बीमार चल रहा है, बीमार है कैसे थोड़ा बता दें। नहीं बता रहे तो अब जिसकी समस्या होनी चाहिए ना उन समस्या का हल हो रहा नहीं, ये तो अब नेता है, तो नेता तो अपना स्वार्थ साधित बस चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं, अपनी रोटी सेकते रहते हैं बस, ये मालूम महसूस हो रहा है। अच्छा, शिक्षा का कैसा स्तर महसूस करते हैं आप? तो शिक्षा को भी मैं तो पहले की शिक्षा में आज की शिक्षा में बहुत अंतर मानता हूँ, आजकल नैतिकता तो बिल्कुल भी नहीं रही किसी, मास्टर और गुरुजी साथ बैठ के चला फूकते हैं। हाँ कुछ भी समझो, मतलब छोटे बड़े कायदों ने कुछ नैतिकता बोलते हैं ना, वो नैतिकता तो बिल्कुल खत्म हो हो गई है ना, छोटे बड़े का वो नहीं रहा, मान सम्मान को भी फर्क पड़ गया, बिल्कुल मान सम्मान को सारा ही फर्क पड़ गया। तो थारे मैंने जो को किसान आदमी बा कहने जो को शरीर पे थोड़ा मजबूत होता है, काम भी करता, अब तो सो काम मशीन वाला को मशीन आ गई, मैं तुम्हारा आता हूँ कर लिया फिर कर लियो, सौ कन पार पड़े सौ नहीं पड़े तो के करा ना पड़ो भाई, अब नाज काटे तो मशीनों काटा फा। मैं तो मारी बताओ, मैं दूसरे को बताओ, मैं तो मारी बताओ नाज की, मारे तीन बच्चा है, अच्छा तीन में ब्याह शादी कर दिया, तो मैं करे हूँ थोड़ी लिया था ना, जब तो मार दिक्कत को नहीं, मैं भाई लिया, भाई मैडम लिया, भाई लिया, मैडम ही लिया, भाई लिया, भाई को मतलब आपका लाडली ना भाई तुम किताब पढ़ ले, मैं कर ले। अच्छा एक चीज निके करी गए थे कजिया, कई घर देखा टाबर तो मैं तो पढ़िया को नहीं, मैं तो थोड़ा उन्होंने गांव के राजनीति में रुचि रखी, बीन ने कहा कि बी एड करा, बीन ने कहा नौकरी लगा, बीन ने नौकरी लगा। देखो सिस्टम में तो मेरे साथ में 50-60 मतलब लेडीज काम की थी, जयपुर में था, तो
मतलब बाबू में ऑपरेटर में, तो मैं उनके साथ बीच में काम किया। मैं तो उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो पहले वाला लड़का था ना वो अच्छा था, छोटे बड़े का कायदा था, मतलब मानते थे। वो बुजुर्ग का वो आज के जमाने में बिल्कुल बुजुर्ग को कोई नहीं पूछता, माँ बाप की कोई आदत नहीं रहता। आज के शिक्षण बता रहा हूँ ये। मैंने आपकी आयु कितनी है? मेरे तो 68 वर्ष है। 68, तो थारे थारो बचपन याद आवे? बताओ जानी बी टाइम के माहौल हो जी टाइम बी टाइम लो बी टाइम तो मतलब ताऊ जी और लागता ने बबी माने ये तो दकालता ने थोड़ा हां बस दकालता ने तुम्हें भाग ज्यादा कठा खड़ी आज कर हाथ को लगा दिन कब को खटा मैं घरल टाबर को हाथ लगा से बिंदने जगह मारा पुरवाड़ ना जा। नौकरी करो मान लेकिन घर भी थोड़ो जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए लेकिन आज तो मैं कह रही हूँ आजकल शिक्षा में ये कमी है। पहली शिक्षा में पहली टाइम मन अंग्रेजी पढ़ाता ना, मान लो अंग्रेजी मास्टर आता मैं पहली यहाँ हाथ जोड़ के करता, आज तो गुरुजी नहीं आ तो ठीक रहे भगवान है तुम्हें। और अब नौकरी करना गया था अंग्रेजी के बारे में मेरे को लगे अरे मास्टर तो भैया आजकल मास्टर को बच्चे का हाथ नहीं लगा सकता। अरे टाइम पहली नीम की काम नहीं तोड़ता, चला सर स्कूल में पढ़ता मैं, नीम की काम नहीं तोड़ता। बाद में आज बोले हाँ बोल आ स्पेलिंग बोल आ छट्टी ऊपर तक अब तक याद है। अब तक याद इन वास्ते एक बार अपना भलाई खतर मारता बन घर में तक बैठे नहीं माता बन बिल्कुल अच्छी तरह याद है। एक मारा सागर का जो बोले को पढ़ाता पढ़ा मास्टर प्रताप सिंह मास्टर वो पढ़ाओ भूगोल पढ़ाओ भी चुकंदर वहाँ होता है फलानी जगह टबर थे बराबर कह दिए बोले चुकंदर बंदर बंदर कहता उठा के आगे दो सपाट चिप जाए। एक को पूछा हाँ भाई शरीर के बारे में पूछा साइंस पढ़ा रहा था तो मामराज मास्टर जो छत्तू की बात बताऊँ वो ये क्या करो इन पूछो ह्यूमरस के ह्यूमरस मतलब अपने शरीर में होता है ह्यूमरस तो साइंस पढ़ा छठी सातवीं साइंस की किताब भी पूछे ह्यूमरस किसे कहते हैं बोले घर पे पाया जाता है उसको ह्यूमरस वो मैंने समझ गया। मजाक की बात बता रहे हैं। अच्छा भैया देखिए स्वास्थ्य जो है ना वो भी नरम ही है लोगों को। बिल्कुल स्वस्थ आजकल के बच्चे काम नहीं कर रहा, जिस शरीर से पसीना नहीं निकलता ना वो शरीर निरोगा नहीं रह सकता, ये हमारा खुद का अनुभव है। अच्छा खान पान जो अपना वो भी थोड़ा सा जहरीला दवाई मतलब आजकल सारे खान जहरीले हो गए सब कुछ मतलब केमिकल मिला हुआ होता है हर चीज में। अरे केमिकल तो हजिया जा कई तो चीज दरी नकली आवे मतलब। हां तो बिल्कुल आई तो कह रहे ना असली गैस पर बनाओ जब कोरा मैं तन के बताऊं चूल्हा की रोटी बनावे के असली बात है बात नहीं अब वाली बात है इंग मैंने जरूर सन कन्वे करोगा मैं कहूं सगला भाई ध्यान दे सुनो मैं कह रहा हूं तो एक तो वंश होता है वंश और अंश ये मतलब आपके शास्त्रों के उनमें चला गया मैं अभी। अच्छा तो इसका प्रभाव मतलब चलता है मतलब इन दोनों दोनों शब्दों में जोर दे रहा हूँ इन शब्दों को अच्छी तरह ध्यान मतलब सुनने वाला है। अंश तो किसको बोलते हैं और वंश किसको बोलते हैं? लड़की होती है ना हाँ हाँ हाँ। लड़की दो लड़की के बारे में बताऊँ लड़की दो घर का नाम करती है, लड़का एक घर का नाम करता है। लड़का तो बाप का नाम चलाए हो हाँ। लड़की है ना तो बाप का नाम भी चलाती है। लड़की मतलब वो बढ़िया एक तो मतलब शिक्षित तो लगी लेकिन शिक्षित था नैतिकता नहीं आजकल परिवार तो वंश अंश वाला मैं ये बता रहा हूँ कहते कि खानदानी होती ना बात सेवा कर बस का माँ जी बैठे जहाँ बुढ़ा जहाँ लुगाई चाहे गोदम टाबर ही हो चाहे बूटी वो भी नहीं कौन दी इनके बूटली परसर परसर और एक लुगाई गणा गमा बटो का ले बस मैडम जा सीट कोट भी खड़े हो जा तखना भी मैडम जी को सीट मांगर देख ले दे देता हूं कौन दे आप की बात सवाल ही बंद करने को मैं कह मैं हिम्मत ही बंद करने की तो बात है। अब ये देख गला पड़ जाएगी यार बंद थोड़ा धर्म को काम भी थोड़ा डिगमग हो रही है। बिल्कुल धर्म को हो रही है चारों तरफ देख लो ना धर्म तो माने ही को नहीं दिखावा तो सगड़े थाली बाट के फिर मैं कहूँ दिखाओ मत करो असली एक पहले
सृष्टि मतलब पैदा करने वाला एक था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये मतलब मान के चलना चाहिए। सबसे मुझे वही यार वही सारा संचालन कर रहा है, ये मानना गवर्नमेंट को नहीं रहा। फिर जाति पांति मैं तो बिल्कुल मेरे विचार से गलत मानता हूँ। तो इंसानियत होनी चाहिए, आदमी तो आदमी सब बराबर ही। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। रंग रूप में काम कर बस वही अड़ू बैठा हो क्यों बीज फैल गए सगड़ा है। बीज को असली बीज ढूंढो को अंदाजा अच्छा, एक नशो है वो भी बिल्कुल नशा। हाँ बिल्कुल शरीर को खराब करता है नशा। बिल्कुल टूटे। अब मान लो मैं बीड़ी पीऊं तो अब आगे ना जैसे वातावरण तो गंदा हो रही है। अजीत थे बीड़ी पीते थे तो बीड़ी तो पियो, मैं थाली मान ली और कोई भी प्रकार का नशा ना वो खराब है। एक जो मोबाइल चले वो बढ़िया है आजकल, बढ़िया तो है, दुरुपयोग ज्यादा दुरुपयोग आपकी टेलीविजन और मोबाइल बने ने हाथ पार्टी साफ कर दिया, सभ्यता नष्ट होगी इनसे। कोई बोले बस इनके आंगली फेर बकरी चक्कर में ट्रेन का तड़ागर, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी, कोई गाड़ी चलाते हैं जान के लगे। हाँ तो ये यही तो बता रहे हैं आपने सभ्यता ने ले बैठा धंधा लगे बढ़िया। अंत में छोटी सी अपने थारों का थारज का चा बड़ा ही वीडियो देख रहे हैं नाम के संदेश देना चाहो। मैं तो कहूँ भाई आजकल बच्चा है ना जकान मतलब संस्कारवान होना चाहिए। वो तो मतलब शिक्षा के अधिकार में आ जाता है तो शिक्षा तो अब अपने स्कूल में भेजा पैसा आता बंद खर्च कर चुका स्कूल में जा तो चाबरा को मतलब। लेकिन माँ बाप में ज्यादा टाइम रहे तो नैतिकता और पर गुरु देखो माई हो गए माँ बाप तो पाल दी पोस देंगे बाद बड़ा कर देंगे अब नौकरी लाग देंगे अब मैं बैठा देंगे बैठा काग लेंगे आ कार्ड वगड़ो तो बुढ़ापा में रोटी टाइम पर दे है ना। हाँ क्यों क्या थोड़े टाइम को बड़ो फर्क पड़ा है टाइम पर है। कोनी के और खना खना रोटी तो आई दी नहीं मैं के दिया रोटी बना तो खाई तो बना के तो दिया हमने रोटी ले लिया कि मंदेसी से मिलके कोनी बनावा खना के है के थोड़ो गुनो साल में एकादी बार घूमबा चले जाया करो थोड़ो मन में शांति ना बा घड़ी शांति है बस शांति है हमारा कोने कहनी गुने ओडी गोड़ी है देख ले दिया कोई सो घूमने खातिर खेत में जा खेत में ग्राम ग्राम और सारदी गांव में है भी शांति कोई धन्यवाद अगर समय मिले तो तारो खाना बना लेना क्यों जय राम जी की जय राम जी।